हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना आंसर बताने जा रहा हूँ। क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का, तो कैसा रहा आपका एग्जाम अपने आंसर मैच करके आप देख सकते हैं प्रैक्टिस और कर सकते हैं फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी के लिए। तो देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से समझिएगा, इधर हिंदी मीडियम है इधर इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और आपको जो कॉपी पर जो अच्छे से करना है ना, मैं आपको बता दूँ कि आप एग्जाम में जब आएगा पेपर में तो क्वेश्चन नंबर एट डाल के पहला नंबर डाल के उसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला 1 लाख में कितने हजार होते हैं, आप खुद बताओ बच्चों, 1 लाख में कितने 1000 होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 1 लाख लिख लो, 1 2 3 4 5 1000 लिख लो, 1 2 3, तो आप बताओ यहाँ पे कितने जीरो कम पड़ रही है, 1 2 3 4 5, 3 जीरो काट दो, कितनी कम पड़ रही है, 2 जीरो, तो यहाँ पे आएगा 100। तो 100 इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए हो गया। समझ में आ गया पहले का आंसर ए क्यों है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिलियन आ जाए, 10,000 आ जाए, तो आपको उतनी जीरो डाल के जितनी जीरो कम पड़ रही होगी उतना लिख लेना, ठीक है। फिर कह रहे जीरो को डिवाइड करो, जीरो को किससे डिवाइड करो, हमेशा जीरो आता है, क्या आता है, जीरो। अगर जीरो अगर मल्टीप्लाई होता है एक से तो सेम आता, हाँ या ना, और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, जीरो। जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जीरो ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो इस तरीके से 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैथ की, ठीक है, उसमें मैंने ये पेपर ही समझा रखे। आप देखो मिड टर्म पेपर एएससी स्टार्टर आपको वीडियोस मिलेंगी, आप मैथ लिखो, क्लास सिक्स लिखो, चैनल का नाम लिखो एएससी STAR TER, अगर आप ऐसे लिखोगे और फिर क्लास सिक्स लिखोगे, मैथ लिखोगे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी पुरानी पुरानी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कितने मिलियन होंगे तो 1 करोड़ बनेंगे, तो देखो कितने मिलियन होंगे जब 1 करोड़ बनेंगे, तो आप देख लो मिलियन निकले, मिलियन लिख लो पहले, ठीक है, हमने मिलियन लिख लिया, ठीक है, और करोड़ लिख लो, करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होते, तो कितनी जीरो कम पड़ रही है, 1 जीरो कम पड़ रही है, तो 10, तो 10 मिलियन होंगे तो 1 करोड़ बनेगा, ठीक है, समझो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आप 1 करोड़ में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 99,99,999, इसका आंसर क्या गया, ए आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है 5 मल्टीपल बताओ 12 के, मतलब 5वां मल्टीपल कौन होगा, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 12 के 12, 12 2 24, 12 के 36, 12 के 48, 60, 12 5 60, तो 60 आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीपल बोलेगा तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हो 12 का गुणज। फिर ये कह रहा है कि 2 अगर लगातार इवन नंबर है तो उसका एचसीएफ कितना होगा, आप निकाल के देख लो, 2 नंबर ले लो लगातार इवन नंबर, आप उसके टुकड़े कर लो, तो दोनों में सेम क्या है, 2, तो आंसर क्या आ गया इसका, 2 आ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो तो जो किसी के बारे में नहीं आते, केवल अपने पहाड़े में आते, इसके 2 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, 2 एग्जैक्ट फैक्टर होते हैं, तो 23 इसमें प्राइम नंबर है, ठीक है, एक तरीके से 100 तक आपको याद होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16,873, ठीक है, ये तो बहुत ईजी था, तो यहाँ पर हम इस पर टिक कर देंगे, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर बता दोगे ना। फिर ये कह रहा है 0 या 5 अगर यूनिट में आ रहा है तो वो किससे कटेगा, अगर 0 या 5 आए तो वो 5 से कटेगा, 3 से कब कटेगा, जब सबको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में है, हाँ है ना, अगर हमें किसी नंबर को पता लगाना है वो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कैसे पता लगाते हैं, सबको जोड़ के देखते हैं, जैसे मान लो नंबर आ गया, हमें पता लगाना है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 3 7 7 8 15 और 3 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, यस। जब हमें 3 से पता लगाना पड़ता है तो जोड़ के देखते हैं, अगर 2 से पता लगाना तो पहला नंबर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। फिर कह रहा है कि ये कौन कौन सा, देखो 90 से बड़ा होता है तो उसे अधिक कौन बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या, ऑप्टिमस एंगल बी आंसर है इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है, डी है, ये नहीं है, ठीक है, डी आंसर है। और अगर न्यून कोण बोलता तो 90 से कम होता, सम कोण बोलता तो 90 डिग्री का होता, पूर्ण कोण बोलता तो पूरा 360 डिग्री का होता, ठीक है, क्योंकि 5वीं क्लास का भी आपके कोर्स में आएगा ना थोड़ा बहुत। 44 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, तो 44 ही होता है, हाँ, जो भी नंबर होते हैं ना वो अपना ही सबसे बड़ा उसका फैक्टर होता है, सबसे बड़ा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो जल्दी से देखो फटाफट प्यारे बच्चों, ये कह रहा है आपको, ये आकृति दे रखी है, आप इसको देखो ध्यान से। तो ये कह रहा है इसमें आपको रे बताने, रे कौन कौन सी रे है, ओ डी ऐसे लाइन डाल दो, ओ सी, फिर कौन है ओ बी, फिर कौन है ओ ए, इस तरीके से आपको रेस बना देनी है, ठीक है ना। अगर उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कह रहा है कितने लाख होंगे कि 1 करोड़ बन जाएगा, तो 100 लाख होंगे तो 1 करोड़ बन जाएगा, कैसे। जैसे आप पहले लाख लिख लो, 1 2 3 4 5 0, करोड़ लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब 5 0 कट गई, 2 0 बची, तो यहाँ लिख दी 2 0, एक तो लगाना पड़ेगा आगे, हाँ है ना। अब कितने मीटर होंगे कि 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है, 1000 मीटर होंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो, अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक करना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस नंबर को यूज करो, ये कह रहा है आप इन नंबर को यूज करो लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करना, 4 डिजिट का बड़ा नंबर बताना है। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कैसे बताओगे, सबसे पहले 9 लिख लो, फिर 3, फिर 2, फिर 0 बन गया ना नंबर, आया ना, आता है ना सबको 4 डिजिट का बड़ा नंबर बनाने, ऐसे कोई भी नंबर दे देगा आपको बनाना होगा, छोटा या बड़ा बना लोगे ना। अगर मान लो छोटा पूछता तो क्या करते, 2039, 0 पहले नहीं लिखते, 0 पहले, अगर छोटा नंबर बनाना होता तो 0 पहले नहीं लिखते, ठीक है। फिर कह रहा है 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 12 और 16 का एलसीएम कैसे निकालोगे आप, देखो आप 12 लिखोगे 16 लिखोगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 3 का 3, 2 2 4, 1 3 1 3। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, तो ये आपका आंसर आएगा 48 आ जाएगा। एलसीएम आता है ना सबको, एलसीएम जब बोलता है तो सबका इकट्ठा करना पड़ता है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 से 2 से 2 से, फिर 2 से जब 2 खत्म हो जाएगा तो फिर 3 से, ठीक है, और कोमा लगाते रहना। उसके बाद ये कह रहा है अगर कोई संख्या डैश और डैश से विभाज्य है तो 6 से होगी, तो यहाँ 2 और 3 आएगा, अगर कोई नंबर 2 3 से कटता है तो 6 से भी कटेगा, यहाँ पे क्या 2 और 3। फिर ये कह रहा है आपको ये मैचिंग करनी है अली, तो देखो 4 4 क्या है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, 4 ना सबसे छोटा कॉम्पिटेटिव नंबर होता है, ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए 4 सबसे छोटा कॉम्पिटेटिव नंबर होता है, 3 क्या होता है, 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, ये होता है, और माफ कीजिएगा, 3 जो होता है और सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा विषम होता है, विषम, ठीक है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पिटेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो 4 क्या सबसे छोटी सबसे छोटा भाज्य संख्या है, 3 क्या सबसे छोटी विषम संख्या भाज्य वाली है, ठीक है। मैं आपको प्राइम नंबर लिख देता हूँ, प्राइम नंबर होते कौन से हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, इस तरीके से होता है। इससे मतलब 55 की फैक्टर लिखो, मतलब 55 किस किस के बारे में आता है, 1 के में आता है, 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 के बारे में आएगा, 11 के बारे में आएगा, और फिर उसके बाद सीधा 55 के बारे में आएगा, तो ये हो गए ऑल फैक्टर्स ऑफ 55, ठीक है ना। 55 के गुणनखंड बोले थे तो 1 5 11 और 55। फिर कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर निकालो, सबसे बड़ा 4 अंकों का नंबर कौन सा होता है, 4 बार 9 लिख दो, और सबसे छोटा नंबर 3 अंक का कौन सा होता है, छोटा 100, तो इसको घटा दो कितना आएगा, हमारा आंसर कितना 9899, ठीक है, बताओ, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला इसके प्राइम क्या करो फैक्टर, तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये देखो यहाँ बोला इसने इसके 960 का प्राइम फैक्टर करना है, 1960 का आपको प्राइम फैक्टर करना है, 2 9 18 2 8 16 0 का 0, 2 4 8 2 9 18 0 का 0, 2 2 4 2 4 8 1 कैरी, ठीक है, 2 5 10, ठीक है ना। उसके बाद फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 से नहीं जा रहे, 5 से जाएगा, ठीक है, तो 5 4 20, 5 9 45, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है, ये आपको इसके करके दिखाना है। फिर आप ये लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, कह रहे हैं इन सबके कोणों के नाम बताओ,
तो कौन कौन से कोण है? देखो कोण का नाम बताना, तो बीच में जो होता है उसको लिखना पड़ता है, ए एन सी। कोण का नाम क्या पहला? ए एन सी। जिसका नाम बता दो बीच में लिखते हैं, ए एन सी। इस कोण का नाम क्या है? ए एन बी। इस कोण का नाम क्या है? बी एन सी। जिसका नाम बताते हैं उसे हम बीच में लिखते हैं। फिर कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो। देखो इसने बोला कौन सा खुला कौन सा बंद है, ये क्या खुला है? बंद है। खुला है, बंद है, बंद है। ठीक है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज क्लोज। ठीक है, तो ये अलग कर देना, आसान वाला है ना। अब पेपर में सेम तो नहीं आएगा। अभी देख सुनो, ये कह रहा है पॉपुलेशन इतनी है, मेल इतने, महिलाएं इतनी है, तो ये कह रहा है अंतर निकालो, आपको घटाना है। अब मैं ये करके नहीं दिखा रहा, इसमें से आपको ये घटाओगे तो इसका आंसर आएगा। और फिर इसने बोला कि इसको आप भारत की लैंग्वेज में लिखो कितना, जैसे शब्दों में लिखते हैं ना, तो वो शब्दों में लिखना है इसे। फिर ऐसे अगर ये नहीं करना तो ये करना, इसे इंटरनेशनल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बोले जोड़ना, इन सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको शब्दों में लिखोगे इंटरनेशनल में। ठीक है, इंटरनेशनल मिलियन होता है यूज, वो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ही बोला है कि दो टैंकर है, इतना इतना लीटर है, तो अधिकतम, जब अधिकतम बोलेगा तो आपको उसका एस सी एफ निकालना है। क्या निकालना है? एस सी एफ। क्या निकालना है? एस सी एफ। तो कैसे निकालोगे? 850 और 680 का प्राइम फैक्टर कर लोगे। जैसे 17 5 85, 2 5 10 मैं ड्रैग कर रहा हूँ, 17 4 68, मतलब 2 2 4 और 2 5 10। तो एस सी एफ कैसे निकालते हैं? दोनों में जो सेम होता है 17। अब इसको मैं बाद में फिर कभी समझा पाऊंगा आराम से। दोनों में सेम आगे जिसको आता है वो फटाफट समझ लेगा, दोनों में सेम है दो, और कुछ सेम नहीं है। तो ये 17 85 85 का डबल कितना हो गया? 170 आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों में सेम होता है उसे लिख लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे बोलते हैं एस सी एफ। जब भी अधिकतम बोलेगा, जब भी मैक्सिमम बोलेगा, ठीक है, तो आपको हमेशा एस सी एफ निकालना होता है। अलग अलग निकाल के ऐसे ऐसे निकालना, पहले आप प्राइम फैक्टर कर लोगे ना। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर कर लोगे ना ऐसे करके, उसके बाद फिर आप इसको आराम से करते चले जाना। अब देखो यहाँ पर बोला है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताओ कितने त्रिभुज हैं? देखो एक ये रहा, दो और पूरा तीन। फिर ये कह रहा है आप यहाँ पे दो ट्राइंगल के नाम लिख दो, कौन कौन से हैं, तो ट्राइंगल बता दो, ए बी सी और कौन सा, ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी लिख दो। फिर कह रहा है इसमें कितने कोण है, कोण बताओ कितने। देखो एक कोण ये रहा, दो तीन चार पांच छः और एक पूरा सात। ठीक है, तो इस तरीके से सात कोण लिख दोगे। अब ये जो है ना, ये लीनियर पेयर बन जाएगा ना, तो ये 180 डिग्री का कोण, फिर इसको हम नहीं ले रहे, इसे मैं सात को गिना है। बाकी एक बार ऑफिशियल आंसर किया उसमें देख लेंगे। फिर कह रहे दो कोणों के नाम बताओ, बता दो एंगल बी और एंगल डी बता दो। जब अकेले अकेले होते तो अकेला अकेला नाम लिखते हैं, और जब किसी के साथ होता है तो हमें ए पूरा पूरा ऐसे करके लिखना पड़ता है, ऐसे ए एन बी। इसका नाम बताएंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, ए एन बी। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो ये ना केस स्टडी है, ये केस स्टडी है। ये कह रहा है युक्ति और सोनू दो दोस्त हैं, युक्ति अपनी सहेली सोनू के साथ खेल रही है। ठीक है, अब ये दो संख्याओं के साथ खेलने का फैसला करती है। युक्ति ने सोनू से कहा कि आपको 3 4 5 0 6 7 का ही उपयोग करना है। अब अगर इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या बनाओ, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने? 1 2 3 4 5 6। तो अंक बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? 7 6 5 4 3 0 बन गया ना, बड़ा नंबर बना लेंगे। फिर से कह रहा है इंटरनेशनल में लिखो। फिर ये कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का योग निकालो। तो देखो सबसे बड़ी संख्या तो हमें पता ही है, 7 6 5 4 3 0। और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, बाकी सारा ही लिख देंगे, 4 5 6 7, क्योंकि 0 पहले नहीं आ सकता। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा केस स्टडी ये बता देता हूँ। देखो ये सारे के सारे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इसने बोला इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा प्राइम नंबर होता है इसमें? 23। फिर ये कह रहा है कौन सा नंबर है जो तीनों पास से, दोनों से कट जाएगा, तो 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 15। तो 15 किसके बारे में आता है? 15 के बारे में कौन कौन आता है? 15 ही आता है, तो इसका आंसर क्या है? 15 ही आ गया। फिर ये कह रहा है 12 के फैक्टर लिखो कोई से, 12 किसी से बड़े में आता है? 1 के 2 के और किसके बड़े में आता है? 3 के 6 के और 12। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर क्या नंबर लिखिए, 11 से कट जाए, आप 1 लिख लो, अब 2 से 31 को। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखे, तो पहले 0 रख के देखो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख के देखो, और देखो वो 11 से कट रहा है। वैसे जो कि शॉर्टकट ट्रिक होती है, देखो 11 2 22, 1 बचा, 11 11 कट गया ना पूरा, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा।
शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, एक छोड़ के जोड़ दो, दो और एक तीन, और बीच वाला घटा दो। अगर 0 या 11 का पहाड़ा आएगा तो वो 11 से डिविजिबल होता है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो फटाफट। 16 देखो, इसने बोला कि दिए गए दो बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं। आप बताओ दो पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, दो पॉइंट से केवल एक लाइन खींच सकते हैं। ये कह रहा है सिंपल ओपन कर्व बनाओ, बना दो ऐसे, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इंग्लिश के अल्फाबेट लिखो जिसमें दो लाइन काटती हो, दो लाइन काटती हो, दो लाइन काटती हो। जैसे आपने एक्स लिख दिया, मतलब ABCD में कौन कौन से अक्षर है इसमें लाइन काटती हो। आप वी लिख दो, ये भी रोटेट कर रही है। आप वाई लिख दो, ठीक है। तो आप अभी बोल रहे हैं कि एक बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक बिंदु से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। और अगर आपसे पूछे कि ये कोऑर्डिनेटर है, इसमें कितनी डायगनल है, एक और दो। डायगनल किसे कहते हैं, विकर्ण जो कोनों को मिलाते हैं। ये पूछा नहीं है मैंने, एक्स्ट्रा बताया। तो मैंने आपसे पेपर डिस्कस कर दिया, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऑल द बेस्ट एंड टेक योर साइड स्टूडेंट्स, इनका पेपर होगा फ्यूचर में, तो मैंने पहले ही कर दिया। थैंक यू।